नमस्कार साथियों, मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज फाइनेंशियल ईयर 18-19 असेसमेंट ईयर 19-20 के बाकी टैक्स प्लानिंग के बारे में बात करने आया हूं। सेक्शन 80G के छूट के बारे में अपन बात करते हैं। सेक्शन 80G में हम जो भी पैसे डोनेट करते हैं तो वो डोनेशन पे हम लोग को छूट मिलता है। इनकम में हम उतना अमाउंट माइनस करके जो बचता है उसी पे टैक्स पे करना पड़ता है। तो बता दूं कि इसमें दो कैटेगरी, एक 100% और एक 50%। 100% छूट कब मिलता है? जब ये डोनेशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की हो, जिसमें स्पेशली लिखा हो कि 100% का छूट मिलने वाला है। उसकी एक लिस्ट आती है ऑनलाइन, कभी भी मिल जाएगी। तो ऐसा 100% वाला स्कीम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का है, उसमें अगर हम पैसा डोनेट करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री बाढ़ राहत कोष, ऐसे बहुत सारे कोष होते हैं जिसमें डोनेट करने से 100% छूट मिलता है। उसके अलावा जितने भी कोष हैं, गवर्नमेंट के हो तो उसमें 50% ही मिलने हैं, और नॉन गवर्नमेंट के हो तो भी 50% मिलेंगे, लेकिन तभी जब उसने सेक्शन 80G का रजिस्ट्रेशन लिया होगा। अगर सेक्शन 80G का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो फिर आप किसी को भी डोनेट कर दो, कोई छूट मिलने नहीं वाला है। तो एक बार फिर से, 100% का छूट कब मिलेगा? जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के विशेष स्कीम, डोनेशन स्कीम के तहत हो और उसमें मेंशन हो कि 100% की छूट मिलेगी, और उसके अलावा 50% का छूट गवर्नमेंट वाला हो तब भी 50% ही होना है, क्योंकि वो 100% में नहीं आता। दूसरा, नॉन गवर्नमेंट वाला हो तो हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस संस्था के पास सेक्शन 80G का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर सेक्शन 80G का रजिस्ट्रेशन उस संस्था के पास में नहीं है तो फिर कोई भी छूट नहीं मिलने वाली। अब किसी को भी डोनेट करो, वो अलाउ कब होगा? सबसे पहला, डोनेशन का जो रसीद है उसमें स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए। दूसरा, डोनर का पैन नंबर मेंशन्ड होना चाहिए और पूरा एड्रेस और कंप्लीट डिटेल उसमें मेंशन्ड होना चाहिए। रसीद बुक में लिखा होना चाहिए कि भाई आपको सेक्शन 80G के तहत 100% की छूट मिलेगी या 50% की छूट मिलेगी। इसका मतलब ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। और आपको इनकम टैक्स के रिटर्न में भी मेंशन करना पड़ेगा कि आपने किसको डोनेट किया, और डोनेशन जिनको किया उनका पैन नंबर रसीद में होना चाहिए था, उनका भी, जिनको हमने डोनेट किया तो उनका पैन नंबर भी हमको लिखना पड़ेगा, और रसीद नंबर और बाकी जो भी डिटेल हमारे इनकम टैक्स के फॉर्मेट में है डोनेशन 80G के लिए, वो हमको भर के ज़रूर मेंशन करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 80G का। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि कितना छूट मिलेगा? तो दोस्तों, जो ग्रॉस टोटल इनकम है पांचों हेड का मिला के, जो कुल आय है, कुल आय के 10% से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल, आपका कुल आय, ये डिडक्शन माइनस करने से पहले 5 लाख रुपए था, तो आपको 50,000 रुपए से ज्यादा छूट नहीं मिल सकती। तो मैक्सिमम छूट 50,000 रुपए। अब मैंने जो भी डोनेशन किया, चाहे 100% में चाहे 50% में, उसका मान लेते हैं कि जो डिडक्शन मिलना चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से वो 60,000 आ रहा है। हमारा जो टोटल इनकम है वो 5 लाख आ रहा है, तो 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। हमारा एलिजिबल डिडक्शन कितना है? 60,000। तो हम लोग वो 50,000 को क्रॉस नहीं कर सकते। इसका मतलब जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम का 10% हमारा मैक्सिमम है। अब सेकंड केस में आते हैं कि हमने जो भी डोनेट किया उसमें जो एलिजिबल अमाउंट है वो 40,000 रुपए है, तो 5 लाख हमारा इनकम है, उसका 10% 50,000 होता है, जबकि हमारा एलिजिबल कितना है? 40,000। तो दोनों में से कम कौन सा है? 40,000। तो 40,000 रुपए की ही छूट मिलेगी। तो दोस्तों, 80G में एक तो 100% डिडक्शन होता है, दूसरा 50%, 100% गवर्नमेंट वाले ऐसे डोनेशन स्कीम्स का जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन हो 100% मिलेगा, दूसरे गवर्नमेंट वाले कोई भी होंगे तो उसमें 50% मिलेगा, और NGOs को भी 50% मिलेगा अगर उसके पास 80G का सर्टिफिकेट है। लेकिन ये सारे चीज़ों के ऊपर एक और ध्यान रखना पड़ेगा, जितना छूट के लिए हम लोग एलिजिबल हैं वो हमारे टोटल इनकम के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सेक्शन 80G बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ज़रूरी है। लोग फर्जी 80C का रसीद लगा लगा के इनकम टैक्स में काफ़ी सारे रिटर्न भरते मैंने देखे हैं। मत करिएगा दोस्तों, गवर्नमेंट को धोखा मत दीजिएगा, और ना ही हम अपने आप को परेशान करें। हमारे पास और भी
इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं, आपके पैसे मैं बचा के देता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करके मुझे और मोटिवेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।